सकते। अब जैसे देखा जाए तो ज़ियाबीतस सिर्फ एक किस्म की तो नहीं होती, ज़ियाबीतस की कई इकसाम है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो टाइप 1 डायबिटीज के साथ मरीज हैं, क्या वो रोजा रख सकते हैं या नहीं रख सकते? जैसा कि आपको मालूम है कि टाइप 1 डायबिटीज के मरीज इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, उनका इंसुलिन के बगैर गुजारा नहीं है। वो जब भी मील लेंगे उनको उससे पहले इंसुलिन चाहिए, और जब वो मील नहीं ले रहे उस वक्त भी कुछ मकदार बॉडी में उनकी इंसुलिन की जरूरत होती है ताकि जिस्म में फाजल मादे जिनको हम कीटोन्स भी कहते हैं उनकी तश्कील ना हो। तो ऐसे मरीज जो टाइप 1 का शिकार है उनको जब हम इंसुलिन देते हैं तो उनके अंदर शुगर लो होने का खदशा होगा रोजे के दौरान, और अगर हम इंसुलिन कम दे रहे हैं तो हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार होने का खदशा होगा। तो उनमें कीटोएसिडोसिस और लो शुगर अटैक्स दोनों का रिस्क अपनी जगह पे होगा, हाइपरग्लाइसीमिया भी और हाइपरग्लाइसीमिया भी। तो टाइप 1 डायबिटीज के अफराद को इन जनरल हम एडवाइस करते हैं कि वो रोज़ा ना रखें, लेकिन कुछ लोग इसमें मजे तो होते हैं कि जी हमने रोज़ा सूरत रखना ही है, तो ऐसे अफराद को मैं एडवाइज़ करूँगा कि वो अपनी डोजेज को इस तरह से एडजस्ट कर लें कि वो जो डोज वो सुबह ले रहे थे वो शाम को अफ्तारी के साथ लें, और जो इंसुलिन की डोज वो शाम को ले रहे थे उसको अब वो सहरी पे ले जाएं, लेकिन सहरी पे उसमें 50% रिडक्शन करके डोज को इस्तेमाल करें। इससे चांसेस होंगे कि उनके अंदर हाइपो और हाइपर की कैफियत पैदा ना हो। ऐसे मरीजों को मैं एडवाइज़ करूँगा कि वो अपने रोज़े के दौरान भी ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहें, और ये क्लियर कर दूं कि रोजे के दौरान ब्लड शुगर चेक करने से रोजा नहीं टूटता। डॉक्टर साहब आपने ये बड़ी अच्छी बात बताई है, वरना हमारे अक्सर हम घरों में देखते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि ब्लड शुगर चेक करने से जो है वो रोजा टूट जाएगा तो मुझे चेक ही नहीं करनी, और फिर पूरा जो है वो बड़ी मुश्किल में अपना पूरा रोजा जो है वो गुजार रहे होते।